सो हे गाइस देयर वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं केजीएफ चैप्टर 2 मूवी के ट्रेलर की। देखो यार, तुम्हें पता है कि ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग और इसकी बहुत ज्यादा हाइप है, तो मैं इस पर वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यूज चाहिए और ऐसे और भी लोग जिन्होंने व्यूज के लिए इस ट्रेलर के ऊपर रोस्टर एक्सपोज वीडियो बना रखे हैं। अब ऐसा तो यार व्यूज पर वीडियो भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ा यार कि तुम उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दोगे। ये लोग थंबनेल में रोस्ट एक्सपोज और कॉपी लिखकर वीडियो बना रहे हो, साला उस ट्रेलर में क्या कॉपी दिख गया तुम्हें? साला वो केजीएफ मूवी का पार्ट 2 है, कोई बॉलीवुड मूवी का पार्ट 2 नहीं, जिसमें कि पहले पार्ट में तुम साउथ की किसी मूवी का रीमेक करके दिखा दो, उसी मूवी के पार्ट 2 के नाम पर अपनी किसी और ही मूवी से हीरोइन और विलन को चेंज करके और 4-5 गाड़ियों के सीन बढ़ाकर सेम वही मूवी ऑडियंस को पार्ट 2 के नाम पर चिपका दो, समझ रहे हो? और जो कुछ लोग एक्सपोज वीडियो बना रहे हैं, सालों क्या एक्सपोज करोगे तुम? एक्सपोज करने के लिए है क्या उस ट्रेलर में? क्योंकि जो उस ट्रेलर में गाड़ी और डंपर चल रही है वो तुम्हारे मोहल्ले से किराए पे ली गई है नहीं, क्योंकि उसमें एक्सपोज होने के लिए ऐसा है क्या? एक रॉकिंग स्टार यस है जिसे कि तुम एक्सपोज कर नहीं सकते, क्योंकि साउथ के किसी भी हीरो ने एक्सपोज होने लायक काम किए नहीं है। दूसरा, उस ट्रेलर में रवीना टंडन मेन हीरोइन है, जिसमें लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं। फिर बचे एक्सपोज होने के लिए संजय दत्त, तो उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता है केस, न्यूज, फिल्में सब कुछ बनी है। अबे साले, और कुछ लोग जो रोस्ट वीडियो बना रहे हैं वो रोस्ट वीडियो नहीं, पता नहीं किस चीज की भड़ास निकालने पे लगे। रोस्ट के नाम पर उनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि इससे बढ़िया तो RRR मूवी है, इससे अच्छा तो इसका पार्ट 1 था, ये तो कतई घटिया है। और चलो एक बार को इनकी बात मान मिले तो चूतियों रीजन तो बता दो कि क्यों घटिया है। अगर तुम्हारे एग्जाम में नंबर कम आते तो हमें भी तो रीजन पता रहता ना कि नहीं यार हमारी पढ़ाई में औकात ही इतनी है। और कुछ लोग तो ऐसे भी जो कह रहे हैं कि ट्रेलर में स्टोरी कहाँ है। चूतो जब मूवी मेकर थे उस एडिटर को पैसे ही मन मुताबिक दिए होंगे, तो उसने ऐसे ही ट्रेलर तो काट रहा था जिसमें कि मूवी की स्टोरी रिवील ना हो सके। मिसालो ट्रेलर में तुम लोग इतने अच्छे सीन भी दिखा दो, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस भी करवा दो, इतने अच्छे VFX भी दिखा दो, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि ट्रेलर में स्टोरी भी दिख जाए, तो चूतो 400-500 करोड़ तो तुम्हारे घर वो CD भेज देंगे ना मूवी की। अब इसके बाद आते हैं वो लोग जो कि मूवियों को कंपैरिजन कर रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। पहले आते हैं ये कंपैरिजन वाले जो कि अभी के टाइम में चल रही मूवी है KGF और RRR को कंपेयर करने पे लगे हुए। तो कंपेयर करके तुम अपना कंटेंट बना रहे हो वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा कंपैरिजन के नाम पे जो हेट फैल रही है उसका क्या? और अगर इन्हीं लोगों को इनके घर वाले किसी और से कंपेयर कर देना तो इनकी चिड़ मच जाती है। और कंपैरिजन के नाम पे कुछ करते भी नहीं है ये, वीडियो में एक साइड RRR की क्लिप चला देंगे और दूसरे साइड KGF की और बस हो गया कंपैरिजन। नहीं, अगर कंपैरिजन कर भी रहे हो तो कुछ पॉइंट भी बता दो ना यार, इन सेम पॉइंट्स पर इन दोनों मूवियों के ट्रेलर को कंपेयर कर रहे हैं। इन कंपैरिजनों को तो यार एक बार को हम जेल भी सकते हैं, कुछ लोग इसे हीरोपंती 2 मूवी के ट्रेलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अरे शर्म करो, एक बात तो पक्का यार कि ऐसे हरकतें करने वाले ये तो टाइगर श्रॉफ का फैन पेज चलाते हैं, फिर टाइगर श्रॉफ के साथ उनका कोई अंदरूनी रिश्ता तो है नहीं। हीरोपंती जैसी मूवी में 4 साल की मेहनत और एफर्ट लोग और भी डालते हैं, तो KGF चैप्टर 1 जो कि लोगों ने देखी है, ऑडियंस को उस मूवी को दोबारा देखने के लायक क्रेज भी नहीं बना पाते ये लोग। और अब आते हैं रिव्यू चैनल वाले, इनके पास लाखों में सब्सक्राइबर है, फिर मूवी के नाम पर क्लिकबेट ऐसा मारा जैसे कि उसी वीडियो के व्यूज से ना खर्चा निकाल कर किसी का ऑपरेशन करवाना हो। नहीं, कोई थंबनेल में लिख रहा है करियर इन डेंजर, अब जेल की सजा हो गई है, क्या सोचो उसका करियर डेंजर में चला जाएगा। और एक ये फिल्मी इंडियन वाली लड़की, इसका तो अलग ही है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अब झूठ बोलकर तो तूने अपने 2 मिलियन सब्सक्राइबर करवाए हैं। बॉलीवुड बॉयकॉट के टाइम से इस लड़की को आज तक बॉलीवुड की कोई मूवी पसंद नहीं आई, खासकर स्टार किड्स की, जैसे कि इसकी जगह खाकर उन्हें हीरोइन बनाया गया हो। खैर तो चलो यार बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो तुम्हारे मन है वो कर सकते हो। चलो यार फिर अपन लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।